साथियों, इतिहास को भूल जाने वाले कभी इतिहास नहीं बना सकते। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने जिस समाज में जन्म लिया है, अगर मैं उसी समाज की समस्या हल नहीं कर पाया तो मैं स्वयं को गोली मार लूंगा। आज देशभर में अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 70 लाख शिक्षित कर्मचारी अगर एक झंडे के नीचे आ जाएं, तो हम एक देशव्यापी गैर राजनीतिक संगठन बना सकते हैं। और इस देश में वही समाज उन्नति करते हैं जो राजनीतिक सत्ता से संपन्न होते हैं। बाबा साहब ने सब कुछ इस दीना भाना के लिए किया था, जो इनकी जयंती पर अवकाश के लिए इनको बर्खास्त कर दिया है। आखिर कब तक चलेगा ये चमचा युग? अब आने वाले समय में हमें इस चमचा युग को समाप्त करना है। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे महापुरुषों की जयंती पर हमें अवकाश चाहिए और इसके साथ साथ दीना भाना की बहाली चाहिए। दीना भाना चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, एक अधिकारी और कर्मचारी का क्या मेल? मेरा और उसका सबसे बड़ा मेल ये है कि वो चोड़ा भंगी है और मैं चमार। अब हम गर्व से कहेंगे, भाइयों, हम बहुजन समाज के लोग हैं। जरा उन्हें भी तो एहसास करा दिया जाए कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, शेर की नहीं। तो भाइयों, अब दहाड़ने का समय आ गया है। दहाड़ो, जितनी जोर से दहाड़ सकते हो दहाड़ो, दहाड़ो। जय भीम। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कैसे ये मुट्ठी भर समाज हम पूरे बहुजन समाज को अपनी मुट्ठी में लिए हुए। हमारा इस देश में 85% है और ये सिर्फ 15% है। मांगने वाला नहीं, देने वाला बहुजन समाज बनाएंगे। हमें विकास करना होगा। हमारा अंतिम उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में राज्य करना। मंदिर और मस्जिद हमारा कभी मुद्दा न था न कभी होगा। हमारा मुद्दा तो सिर्फ रोजी और रोटी है। जय भीम।